इस खबर के प्रायोजक है संभावना उच्च विद्यालय शुभ नारायण नगर आरा भोजपुर। अभी अभी एक बड़ी खबर है बिहार के भोजपुर से, जहां पे व्यवहार न्यायालय के गेट नंबर 2 पर साधु की वेश में प्रवेश करते हुए एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शख्स के पास से पुलिस ने 2 जिंदा 303 की गोली बरामद की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप टुडे बिहार न्यूज पर देख रहे हैं। भोजपुर के व्यवहार न्यायालय की तस्वीरें हैं, जहां पे पुलिस ने साधु की वेश में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साधु के पास से पुलिस ने 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। 303 की 2 गोली बरामदगी के बाद ही पूरे कोर्ट में चर्चा का माहौल बन गया। साधु का कहना है कि जिले के चंदा गांव का वो रहने वाला है और उसके झोले में गोली कैसे आया उसे मालूम नहीं है, किसी ने उसे दुश्मनी से फंसाने की कोशिश की है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आरा से सबसे पहले आप देख रहे हैं। भोजपुर व्यवहार न्यायालय के गेट नंबर 2 पर पुलिस ने साधु की वेश में प्रवेश करते एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स के पास से पुलिस ने 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। तारकेश्वर प्रसाद, टुडे बिहार न्यूज, भोजपुर। गेट से अंदर गया चेकिंग के दौरान में उसके झोले से 200 गोली मिला। क्या चीज लेके जा रहा था? वो सब थैला था जो उसमें लेके जा रहा था, यानी चेक किए तब पकड़े। हाँ, चेकिंग के दौरान क्या क्या उसमें मिला? वहाँ 200 गोली मिला है राइफल का। कहाँ कराने वाला है व्यक्ति? वो हमको नहीं याद है, नाम पता कुछ नहीं पता है। वो क्या चंदवा के कहा चंदा ही बोला, बक्सर जिला में, बक्सर जिला से बोला था। किसी से मिलने आया था? वो बोल रहा था कि अंदर हम जा रहे थे, क्या कागज निकलवाना है सर, कुछ बोल रहा था। क्या नाम आपका? मतलब आ रहा हूँ।